नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 10 साल में प्रदेश सरकार ने हेल्थ सर्विस पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन गांव हो या शहर, सभी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदहाल हैं। ताज़ा मामला प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव का है। यहां एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, जिसे पोस्टमार्टम के बाद बिना टांके लगाए परिवार को सौंप दिया गया। दरअसल यह मामला विदिशा जिले के सिंजर से 15 किमी दूर पगरानी गांव का है। यहां शिव शंकर शर्मा की पत्नी नीता की मौत करंट लगने से हो गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को बिना टांके लगाए ही परिवार को लोगों को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार के समय उन्हें इसका पता चला। नाराज परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। हॉस्पिटल से गाँव में एक स्वीपर घर पहुँचा। उसने घर के किचन में बैठ कर डेड बॉडी में टांके लगाए। इसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग स्वीपर कल्लू गांव पहुंचा था। उसकी नजर इतनी कमजोर थी कि वे सुई में धागा भी नहीं डाल पाया। तब गांव के युवक ने धागा डाला और इसके बाद घर में रखे डेड बॉडी में टांके लगाए। इस मामले बीएमओ का कहना है कि डेड बॉडी सील कर दिया गया। हो सकता है कि टांके खुल गए हो, क्योंकि डेड बॉडी हिलता डुलती है। जानकारी होने पर डेड बॉडी में टांके लगाने के लिए स्वीपर को गांव भेज दिया।